फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। अभी बाहर का कमरा है ये, तो ये मैं ज़्यादा सही कर रही हूँ। और ये बाबू है, फ़ोन इधर उधर ट्रैपपोर्ट इधर उधर कर रहा है। तो ये क्योंकि देख रहा था कि अभी आ नहीं रहा है, मम्मा अभी आ नहीं रहा है। तो मैं और ये जो आप सीट देख रहे हैं ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। आप लोग मुझे बताना कि आपको ये कैसी लग रही है। और इस जो दो सीट में आती है मैंने वो वाली मंगवाई थी, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि कैसी लग रही। और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, अभी 7:30 या फिर 7:45 बजा हुआ है। तो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और बाबू मेरा उठ गया है। तो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों ही तक पहुँचे। तो आप लोगों को पता है मॉर्निंग का कितना बिजी शेड्यूल होता है, कितना बिजी होता है। तो यहीं पर मैं सुबह बाहर का कमरा, अंदर बाबू पंखा चल रहा था तो मैंने सोचा चलो बाहर का ही पहले कर लेती हूँ, क्योंकि ये पहले मैं यहाँ पे करने लगी थी और बाबू बाद में उठ के आया था तो मैं बाहर का ही करने लगी थी। और आके ये अपना फ़ोन इधर उधर किए जा रहा था, बार बार हिला रहा था, तो ये इधर उधर दिख रहा, क्योंकि ये भी दिख नहीं रहा है। मेरे बाहर वाले कमरे में झाड़ू मैंने लगा दी है और मैं अब लगा रही हूँ अंदर, ये किचन में मैं लगा रही हूँ। और मैं फिर आप लोगों से बोले चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुँचे। और आजकल मेरा वेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो मुझे वेट भी अपना काफ़ी कम करना है। 5 से 6 या 7 केजी मुझे वेट कम करना है, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है। अभी मैंने 6 महीने कुछ या फिर 1 साल पहले मैंने वेट को अपने काफ़ी घटाया था, फिर अब बढ़ गया है। तो मेरा झाड़ू पोछा हो गया था और मैंने आज मैंने हेयर वॉश किए थे, तो मैं यहाँ पर अपने बाल कंघी कर रही हूँ।
और अभी 11:30 का टाइम हो रहा है लगभग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था तो मैं बाल कंघी कर ली हूँ और बाबू ने भी नहा लिया है। देखते हैं आज लंच में क्या बनाते हैं, अभी तो शायद कुछ नहीं बनाया है। बाबू ने भी नहा लिया है और इसको भी हवा लग रही है तो आराम से लेटा हुआ है। आज स्कूल भी ये नहीं गया था क्योंकि लेट हो गया था उठने में, तो स्कूल नहीं गया था। अभी देखते हैं कल जाएगा। और मॉर्निंग में इसका टाइम बहुत ही ख़राब है स्कूल का, तो देखते हैं। तो मैंने बाल कंघी कर लिए हैं और मैं आप लोगों से बात कर रही थी, बट क्या था ना कि यहाँ पे कुछ बाहर आवाज़ें आ रही थी तो मुझे वॉइस म्यूट करनी पड़ी। बाहर मेरे घर बन रहा है तो बहुत ही आवाज़ें आ रही थी और बाल मेरे इतने गीले थे कि भी सूख नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको थोड़ी देर के लिए खुला करके रख देते हैं तो ये सूख जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें क्लेचर लगा लूँगी। तो और मैं आप लोगों से बोलूँगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसे लगती है, ब्लॉग कैसे लगता है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अब आ जाता है टाइम आ गया है नाश्ता करने का, तो नाश्ते में देखते हैं अभी कुछ ना कुछ तो बनाते हैं क्योंकि बाबू को भी भूख लग रही है और मैंने भी कुछ अभी तक नहीं खाया है। तो चलिए किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन की चीला। तो इसमें मैंने गाजर को ऐड किया है, गाजर रखी तो मैंने बेसन और हरा थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च है, और मैंने इसमें एक गाजर रखी थी तो उसको मैंने कद्दूकस करके डाल लिया है। तो क्योंकि इस गाजर से अच्छा टेस्ट आ जाता है, आप लोगों ने अगर ट्राई नहीं किया है तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा, टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग इसको चटनी के साथ या फिर टोमेटो सॉस, चिली सॉस जिसके साथ में खाना चाहते हो, या फिर कॉफ़ी चाय जिसके साथ में आप खाना चाहते हो, तो आप इसको खा सकते हो। सच में बहुत टेस्टी लगता है और ये सुबह मॉर्निंग में अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो मैं और मेरे बाबू को भी पसंद है, वो टोमेटो सॉस के साथ में सुबह खा लेता है नाश्ते में। और मेरा तो थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, तो आप लोग इसको ट्राई करना और ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मेरा सारा लंच भी, तो अभी लंच मैंने बना के रख दिया था और मैंने किया नहीं था क्योंकि अभी बाबू का मन नहीं था तो मैंने नहीं किया था। और इसके बाद में मैं बना, यहाँ पे चारकोल का फेस मास्क है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आएगा तो मुझे कमेंट में बताएगा। और किस किस ने यूज़ किया है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत से लोग ने इसे यूज़ किया होगा तो जानते हैं ये चारकोल का फेस मास्क है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले इसको मंगाया था फ्लिपकार्ट से और इसे मुझे 2 पैक मिले थे, तो एक मैंने यूज़ किया है और ये इस तरीके से है, ये देखिए इसका मैंने ये वाला यूज़ किया है। तो मुझे आप लोगों को साथ में रिव्यू शेयर इसका करना था कि आप लोगों को कितने लोगों ने इसे यूज़ किया है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसे लगता है। और मैंने इसको यूज़ किया है 2-3 बार यूज़ किया है, मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा है क्योंकि जो फेस पे डेड स्किन होती है वही शायद इसके से रिमूव होती है, छोटे छोटे हेयर होते हैं वो निकल जाते हैं और ये जब लगाने के बाद में सूखता है तो बहुत ही दिक्कत करता है निकालने में। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो मैं इसका ये देखिए इस तरीके से पैकिंग है और इसको पूरे फेस पर हम अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी बिंदी हटा देती हूँ, तो ये ब्रश से तो लगेगा नहीं तो मैं ऐसे ही अपने फेस पे अप्लाई करूँगी फिंगर से। तो आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए गाइस। आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से सूख गया है और हम इसको रिमूव करूँगी यहाँ से ऊपर का से, ये थोड़ा सा गीला हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम यहाँ से
सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसको रिमूव कर दिया है और मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ आप लोगों को। और अब इसमें मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इसमें डेड स्किन तो है, आप लोगों को दिखा दूँ मैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। और इसमें हल्के हल्के से जो हमारे फेस पे हेयर होते हैं वो वाले निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आप लोगों को शायद थोड़ा सा लग रहा हो कि इसमें काफ़ी हेयर हैं जो रिमूव हो जाते हैं फेस के, तो मुझे बस इसी से ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जो छोटे छोटे मेरे फेस पे काफ़ी हेयर हैं तो वो निकल जाते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं आप लोगों को वॉश करके दिखाती हूँ अभी। सो फ्रेंड मैं आ गई हूँ अपने फेस को वॉश करके, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कर लिया है क्लीन, तो आप लोग देख सकते हो इस पर क्या फ़र्क आप लोगों को दिख रहा है। थोड़ी सी स्किन है जो वो लगता है कि लाइट हो गई है, और मुझे तो कुछ ज़्यादा नहीं फ़र्क दिखाई देता है। बस ये है कि थोड़ा सा इसकी डेड स्किन है वो भी निकल जाती है। आप लोगों को किसने इसे यूज़ किया है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और आप लोगों को ये कैसा सूट करता है, आपको अच्छा लगता है। वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हूं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के साथ में मैं आपसे फिर से एक बार बोल रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ब्लॉग कैसे लगते मुझे कमेंट में बताइएगा। आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में।